बसरा से यानी कि मस्कमेलन मिल्क से, और ये बहुत अलग तरीके से बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये मस्कमेलन यानी खरबूज का मिल्क से कैसे बनाते हैं वो भी मेरे तरीके से। एवरीवन, तो आज है फ्राइडे एंड फाइनली मैंने मिस्टर राज को चूना लगाने के लिए तैयार कर दिया है। इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट, इससे पहले मुझे आपकी इतनी मुस्कान अच्छी नहीं लगी थी, पर आज की बात ही कुछ अलग है। जब अपना फायदा हो रहा तो मुस्कान अच्छी लगती है ना। यस, बहुत ज्यादा। तो वही सोच रही थी कि आपने इधर से क्यों लिया। मैं डीमार्ट लेकर जा रही हूँ मिस्टर राज को, और बहुत मैंने पापड़, हाँ बहुत पापड़ मैंने बेले हैं इस चीज़ के लिए कि मुझे डीमार्ट लेकर जाया जाए, और फाइनली मिस्टर राज मान गए। अभी आपको भी अपने पति से ऐसी चीज़ें मनवानी होती है, मतलब मनवानी होती होंगी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते ही, आपको भी पता होगा। तो पापड़ ऊपर नहीं बेला, झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं, कल ही बोली मेरे को कि डीमार्ट जाना है, परसों बोली थी, तो मैंने बोला ठीक है चलेंगे, फुर्सत तो मिलनी चाहिए। सो डीमार्ट मैं क्यों जा रही हूँ बाद में बताती हूँ, सबसे पहले डीमार्ट चलकर जो शॉपिंग करनी है वो कर लेती हूँ। नो ग्रॉसरी, ओके, मुझे ग्रॉसरी नहीं लेनी है। और एक चीज़ की एक बहुत ही अच्छी सेल चल रही है, जी हाँ, मेकअप प्रोडक्ट्स पर तो आपको मैंने बहुत सारी सेल बता दी है, स्किन केयर वाली जो एक बहुत अच्छी सेल चल रही है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो हर जगह पर तो डीमार्ट है नहीं कि फेस वॉश और ये सारी चीज़ें आपको अगर डिस्काउंट में लेनी है तो मिल जाए, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चेक ज़रूर करिएगा, आई एम श्योर आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दिखा रही हूँ, और मैं अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि गुड वाइब्स का है। ये गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब भी आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें अपने स्किन के लिए तो कोल्ड प्रेस्ड हो, ये आपको ध्यान देना है। और स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑलिव ऑयल के, आप सभी को पता ही होंगे। और आजकल का जो मेकअप होता है वो स्मच प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, तो ऐसे मेकअप को रिमूव करने के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आपने देखा मैंने यहाँ पर लोटस हर्बल का टीट्री वॉश लिया है जो कि टीट्री और सिनेमॉन से बना हुआ है। ये एंटी एक्ने ऑयल फेस कंट्रोल है, और मैं आपको बता दूँ ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, हेल्प करता है पिंपल और एक्ने को आने से। सो बहुत ही परफेक्ट वाला ये फेस वॉश है जो कि थोड़ा सा स्क्रबी सा है पर एक्ने और पिंपल के लिए परफेक्ट है। उसके बाद मैं यहीं पर अपने स्किन को क्लींस करना स्टॉप नहीं करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायोबेरी हाइड्रेटिंग क्लींज़र। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, और अगर कुछ मेकअप रह भी गया है इन केस तो ये उस पूरे मेकअप को निकालने का काम करता है, इसलिए मैं थर्ड में इस प्रोडक्ट को इस समय यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा इसे यूज़ नहीं करती हूँ, पर जब भी मुझे लगता है कि मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है जो वाटरप्रूफ और स्मच प्रूफ इंक्लूडेड है, तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। एंड बिलीव मी, ये आपके फेस वॉश करने के बाद भी इतना ज़्यादा स्किन के अंदर से डर्ट निकाल देता है जो कि आप इस समय कॉटन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद अपने स्किन को थोड़ा सा और काम डाउन करने के लिए गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये नो पैराबिन, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री है। वाटरमेलन जेल जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग माना जाता है, हमारे स्किन को कूल डाउन करता है इनकेस अगर पिंपल और एक्ने की परेशानी है। और ये वाटरमेलन जेल बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस तरह के जो जेल होते हैं ना ऑयली स्किन के लिए भी और ड्राई स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। और अब सबसे लास्ट में, जैसे कि आप सभी को पता है मेरी स्किन हल्की सी ड्राई है, इसलिए मैं रात का जो सेरम है वो ऑयल बेस रखूँगी। और यहाँ पर मैं खादी हर्ब्स का हर्बल सेरम 24K गोल्ड इंस्टाग्लो नाइट सेरम यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे स्किन के पीएच को लेवल करता है, ये पैराबिन फ्री है, और साथ ही साथ आप इसी के अंदर गोल्ड डस्ट देख सकते हैं। गोल्ड डस्ट जैसे कि आपको पता होगा कि एंटी एजिंग होता है, हमारे स्किन को ये यंग रखने में बहुत बेनिफिशियल है। सो आज जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आप सभी को,
ये सारे ऑफर में इस समय चल रहे हैं, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किसी किसी ब्रांड पर आपको फ्लैट 30% मिल जाएगा तो किसी ब्रांड पर आपको अप टू 30% ऑफ मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी डील आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आपको MRP पे तो बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए अगर ऑफ़र चल रही है। तो इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का चेक करें, वहाँ पर आपको हर एक प्रोडक्ट की लिंक मिल जाएगी। चुकी हूँ डीमार्ट से, अब मैं आपके साथ एक मेरी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करूँगी, जिसे मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो जैसे कि आपको पता ही, मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, और कुछ ऐसा शेड्यूल होता है कि मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है कुछ भी चीज़ों के लिए। और भले ही मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ, पर इतना ज़्यादा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में इन्वॉल्व हूँ और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती रहती है कि कभी कभी मुझे नहीं टाइम मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको डेली व्लॉग्स देती हूँ, सेकंड मैं आपको एक शाम को वीडियो भी देती हूँ, तो दो वीडियो मैं आपके लिए तो शूट करती हूँ, प्लस मेरे जो हिंदी और मराठी यूट्यूब चैनल है ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी और मराठी, इन दोनों के लिए भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, प्लस बहुत सारी और चीज़ें जिन्हें मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बताई थी, आपके साथ शेयर की थी। इन सारे चक्रों में मेरा घर जो है काफ़ी फैल गया है। आई डोंट नो आप कभी नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं वीडियोस में, पर रियलिटी ये है। ये देखिए, यहाँ पर एक सेक्शन आपको दिख रहा है, तो ये मेकअप जो कि मैं रिसीव करती हूँ उसे मुझे रखना है ऑर्गेनाइज करके। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिए, इधर कम से कम 100 प्रोडक्ट्स तो रखे हुए हैं, 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। प्लस आज दो न्यू कपड़े आए हैं जिन्हें मैंने ट्राई करने के बाद यहाँ पर ही रख दिए, क्योंकि मुझे इनमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना है, तो दो कपड़े यहाँ पर हो गए। प्लस मेरी जो वार्डरोब है उसका आपको सिचुएशन पता है कि कपड़े इतने हो गए हैं कि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। शीन का डब्बा यहाँ पर रखा ही हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट 12-13 कपड़े हैं। वो कपड़ों का वीडियो बनाने के बाद मुझे वो कपड़े मेरे इस कबर्ड में लगा देने हैं। कबर्ड में बहुत सारे ऐसे कपड़े जिन्हें मैं नहीं पहनती हूँ, तो उन्हें भी मुझे निकाल देने हैं। प्लस मुझे ऑर्गेनाइज करना है मेरा ये कबर्ड, जिससे मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से निकाल पाऊँ और रख पाऊँ। इस समय मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा निकालूँ कौन सा रखूँ, क्योंकि ये मेरी वजह से क्या हुआ माँ, तो मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। अब माँ अभी सोकर उठी है, शाम के 6 बज गए, अनिका की जो मैम है वो पढ़ा कर चली गई है, तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का मैंने पूरा ज़िम्मा उठा लिया है। और मैं अपने घर को ऐसे हालत में नहीं देख सकती हूँ, अच्छा नहीं लगा जब मैंने अपने घर को इस कंडीशन में डाल दिया है। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले अपने वार्डरोब से चालू कर दूँ, और उसी लिए आज मैं ये सारे जो बास्केट्स है ये डीमार्ट से लेकर आई हूँ। जैसे कि आप ये बास्केट्स देख सकते हैं, और तो ये सारे बास्केट्स लेकर आई हूँ जिससे मैं अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपनी एक फ्रेंड है मेरी जया नाम की, उनका पूरा तरह से हेल्प ले रही हूँ। एंड देखती हूँ कितना सक्सेसफुल रहूँगी नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का कोई कीड़ा तो बिल्कुल नहीं है, पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है इतना मुझे पता है, जिससे आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। आई नो थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, पर मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी लाइफ एक वेल सेटल चाहिए। राइट, सो राइट नाउ मैं जो शीन हॉल है उसे बना देती हूँ क्विकली, वो 20-25 मिनट में मेरा बन जाएगा। जैसे ही वो बन जाएगा सो वो कपड़े फ्री हो जाएंगे अंदर जाने के लिए। राइट, सो मैं अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। सो ये है रियलिटी मेरे इस सिचुएशन की, इस घर की ये इस सिचुएशन की रियलिटी है। ओके, तो मेरा जो शूट था शीन के लिए वो डन डना डन, अभी मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ अपने वार्डरोब को फाइनली। और मिस्टर राज ने आज शाम के खाने में बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, सो चिकन मसाला। यस, तो मन कर रहा है कि जल्दी से ही खाना खा लेती हूँ। खाने से पहले ही 50% चिकन खा ले। 50% कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही आप?
आपने खाया 50%? मैंने थोड़ा सा मुझे खाया। 50 ग्राम मिला है जस्ट फॉर द टेस्ट की कैसा। हां 50 ग्राम तो अनिका ने खाया होगा। मेरे को भी उतना ही मिला। कैसा लगा बेबी? बहुत ही अच्छा। बस प्रॉब्लम सिर्फ तीखा था। तो तुमको थोड़ा सा तीखा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने। ये लोग थोड़ा सा रेसिपी आएगी कुतरा राजपापा जी ढाबा पर, भुना हुआ चिकन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। और अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने क्योंकि मुझे वार्डरोब अपना अरेंज करना है। सो मैं फटफट अपना डिनर कर लेती हूँ। और मेरा कैमरा मुझे फोकस करने से मना कर चुका है। ओके और वो पीछे कौन है पता है? अजय देवगन, जिसे हटा दिया। कर लिया है। मुझे अपना स्किन केयर फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी स्किन जब अच्छे से ग्लो करती है, अच्छी दिखती है ना, तो मुझे इतनी हैप्पीनेस मिलती है। और मैं इन सारी छोटी छोटी हैप्पीनेस से ही ना अपनी लाइफ को और परफेक्ट बनाती हूँ। वैसे जो भी मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो किया है वो तो आपने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही देख लिया, राइट? तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं ना, वो बहुत ही बेस्ट है आपके स्किन केयर के लिए। इनकेस अगर आप कोई अच्छे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्हें एक बार ट्राई कर सकते हैं। लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज यूजुअल। और अनफॉर्चुनेटली आज मैंने अपना ये जो अलमीरा है, ये जो कबर्ड है, इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। इतना चाव से मैं सारे स्टोरेज बॉक्सेस लेकर आई पर नहीं हो पाया क्योंकि क्या बोलते हैं कि राज का वीडियो था, उसके बाद फिर मेरा हेडेक हो रहा था। तो आप देख सकते हैं आज मैंने अपने बालों में लाल तेल लगाया। वो लाल तेल कौन सा यार, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, वो अम्मा लगाती है, उन्हीं से थोड़ा सा तेल लिया और सर पर लगा लिया क्योंकि हेडेक हो रहा था। सो डेफिनेटली कल सुबह मैं इसे करूँगी और कल सुबह मैं आपको मिलती हूँ यहीं पर। ओके सो गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं सेम प्लेस से आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और सुबह उठने के बाद नहाना धोना और सारी चीज़ें हो चुकी है। मेन चीज़ मिस अनिका का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर भी चला गया है और मुझे बहुत अभी अच्छा फील हो रहा है कि उसके चैनल पर जो हम चाहते थे वो वीडियो गया है और मेनली जो अनिका चाहती थी। सो उसके लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन वीडियो का। और क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि वार्डरोब अरेंज करूँगी बट अभी कोई आ रहा है, मिलाती हूँ मैं। तो बेसिकली ये मेरा सैटरडे के ब्लॉग में से मैं आपके लिए फ्राइडे का ब्लॉग जो है उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरे घर पर एक्चुअली विशाल और प्रिया आए थे और उनसे बातें करते करते मैं शूट करना भूल गई कि मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ। जब वो लोग आते हैं ना बहुत दिनों के बाद
तो गपशप ऐसे रंग लेकर आती है ना कि पता नहीं चलता है टाइम का, वही मेरे साथ हुआ। और मैं आज घूमने भी गई थी, पर फिर मुझे याद आया कि यहाँ पर जो वार्डरोब की चीज़ मैंने आपको बोली थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। सो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये शीन का हॉल है, वो जो कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं। और बाकी आप मेरे कबर्ड के अंदर तो जो सिचुएशन है वो देख ही सकते हैं, मुझे आपको और ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन आपकी आँखों के सामने है। सो प्लान ये है कि मेरे पास ये बास्केट्स है, लाइक मैं एक ये वाली बास्केट लेकर आई हूँ, राइट। इसमें तीन बास्केट है, ये मुझे 200 रुपए में तीन बास्केट मिली है। और एक मैं ये वाली बास्केट्स लेकर आई हूँ, ये मैं टोटल चार बास्केट्स लेकर आई हूँ, ये मुझे 249 की एक मिली है और इसके ऊपर ढक्कन भी है, तो ये काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अच्छी भी है। तो ये मेरे पास चार है, वो 200 की चार है। और मैं अनिका का भी मेरे बाद वार्डरोब जो है ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, और मैं ये वाली भी बास्केट्स लेकर आई हूँ। इसमें हैंडल है यहाँ, ये बाय द वे मेरे घर में बहुत सारी है, मैंने इन्हें अपने फ्रीज में भी यूज़ किया है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैंने बस ये सोचा है कि इन कपड़ों को मैं ऑर्गेनाइज करके रखूँगी और जो हैंग वाले कपड़े हैं उन्हें कम से कम हैंग करूँगी, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए उन्हें मैं हटा दूँगी और जो चाहिए वही रखूँगी, ऐसे मैंने सोचा है। पर मैं आपको बता दूँ, इसमें इतने पुराने पुराने टॉप है जो कि मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मुझे सबसे पहले वो वाली एक चीज़ करनी पड़ेगी कि लास्ट 6 महीने में जिस कपड़े को मैंने बिल्कुल नहीं पहना है उसे मुझे डेफिनेटली अपने वार्डरोब से बाय बाय करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे जया जी ने एक चीज़ बताई है कि कैटेगरी करनी है कि पार्टी वेयर कौन से है, डेली कैजुअल वेयर कौन से है, नाइट वेयर कौन से है, ये मुझे कैटेगरी बनानी ज़रूरी है। जब मैं ये कैटेगरी बना लूँगी तो मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, ऐसा मुझे ये बताया गया है। सो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सब करूँगी। जैसे कि आपको मेरा पैटर्न पता है, एवरी मंथ मुझे 20 कपड़े कम से कम रिसीव होते हैं, एवरी मंथ मुझे ब्रांड्स और डिज़ाइनर्स कपड़े भेजते हैं फॉर रिव्यू पर्पस। सेकंड, मैं दिन में 2 बार तो कपड़े एक्सचेंज करती हूँ क्योंकि वीडियोस का फॉर्मेट ऐसा रहता है, तो 2 बार तो मेरे कपड़े चेंज होते ही होते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। कुकर की सीटी चल रही है, सो बस ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं करूँगी। आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश की है। सो दैट्स इट। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो ये व्लॉग बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था, आई कैन अंडरस्टैंड कि यस, क्योंकि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इतना आइडिया मुझे रहता है, तो यस आई नो कि मेरा व्लॉग आज का बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था। सो प्लीज़ बात को समझे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू गाइज, आई एम नॉट अ लाइक सुपर वूमन जो कि ऐसे चुटकी बजा रहे हो सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। सो आई रियली होप आप समझेंगे एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। ओके, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।